इसके अंदर दो रबड़ आती है, एज लगाओ कुछ भी लगाओ टूटने के चांसेस 0% रह जाते हैं। फोटो पे आप जाके इसके अंदर स्टार्ट बटन दबा दीजिए, सारे काम अपने आप कर देगी। तो भाई चलिए हम देखते हैं इसको ऊपर से उठा के, रिजल्ट आपके सामने। वीडियो बिल्कुल नहीं कटेगी, जो भी रिजल्ट रहेगा आपके सामने रहेगा। और सबसे पहले तो भाई LCD की बात है, LCD आप ध्यान से देख लो किस टाइप की आपको दिख रही है। LCD एकदम ऐसी बनी है जैसे कंपनी देती है, सेम उसी टाइप से ये LCD हो गई है। इसके साथ अलग से आपको कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैक्यूम पंप की बात करें नहीं चाहिए, एयर कंप्रेसर की बात करें नहीं चाहिए, सिर्फ मशीन चाहिए आपको। और मशीन के अलावा बबल रिमूवर भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर ये बबल रिमूवर इन्होंने दिया है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं न्यू गैजेट नगरी। आपकी भाई काफी डिमांड आ रही थी, समीर भाई कोई OCA मशीन दिखाओ जो एज भी बनाती हो, वॉच भी बनाती हो, और वॉच के साथ साथ जो मल्टीपर्पज यूज में ले सके। इस मशीन की अगर बात करें 7 इंची तक पंचिंग आराम से कर देती है। प्राइस की बात करें तो 50 के अराउंड ये आपको मिलने वाली है। मशीन की बात करें तो ये मशीन OCA मास्टर की रहने वाली है। और अगर मॉडल नंबर की बात करें तो K6 स्लिम के नाम से ये मशीन आती है। आज इसके अंदर क्या करने वाले फीचर वगैरह बिल्कुल नहीं बताऊंगा, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर सारी डिटेल दी थी। इस वीडियो के अंदर मैं लाइव आपको सिर्फ पंचिंग करके दिखाने वाला हूं, जो कि आज मेरे पास ये एक LCD है। तो चलिए टाइम को शॉर्ट करते हैं, फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फीचर देखने तो उस वीडियो पे जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी पंचिंग वगैरह कैसे रहने वाली है वो आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको फिर भी एक बार ऊपर से बता देता हूं, ये आती है भाई बेलून बेस करके आती है, मतलब बेलून से, मतलब पेटेंट है इनका जो ये मशीन के अंदर बेलून बना हुआ है। बाकी इसके अंदर दो रबड़ आती है, एज लगाओ कुछ भी लगाओ टूटने के चांसेस 0% रह जाते हैं अगर आपने अच्छे से OCA लगा रखा है। तो मेरे पास ये रही इसको, चलिए मैं कैमरा नजदीक करता हूं, आपको पंच करके लाइव डायरेक्ट दिखा देता हूं। तो भाई ये रही मेरे पास LCD, मैं इसको क्या करूंगा फटाफट से इसकी जो ऊपर वेस्ट पेपर होता है ना इसको मैं यहां से उतार दूंगा। और भाई ऊपर थोड़ा हल्का फुल्का फैन भी चल रहा है, बबल वगैरह भी थोड़ा बहुत आ सकता है, माइंड मत करना, मैं कभी कभी लगाता हूं। इसके अंदर मुझे क्या करना होगा, इसके अंदर भाई सबसे पहले अगर इसकी बात करें तो गिलास को यहाँ पे आराम से आपको इसको बिठा देना है। अब इसके अंदर मैंने कुछ नहीं करा है भाई, इस तरीके से इसको रखा हुआ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वाली मैट के ऊपर रख देना है। आपके पास अगर एज है एज भी बनेगी, एज नहीं है आपके पास फ्लैट है फ्लैट भी बनेगी, 7 इंची अगर 7 इंची भी बनेगी। इसके बाद कुछ नहीं करना है, आपको ऐसे बंद कर देना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अगर मेन्यू की बात करें तो मेन्यू इसका इस तरीके से दिखता है। ऑटो की बात करें तो ऑटो पे आप जाके इसके अंदर स्टार्ट बटन दबा दीजिए, सारे काम अपने आप कर देगी। अब इसके अंदर अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर वैक्यूम होने लग गया है और यहाँ पर आपको डिजिटल में शो कर रहा है। और वैक्यूम के बाद जब इसका बबल चलेगा तो यहाँ पे आपको गेज स्टार्ट हो गए दिखाऊंगा मैं, अभी रुक जाओ 2 मिनट। तो भाई यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा सेकंड चलने स्टार्ट हो गए इसके अंदर। अब ये इसके अंदर नीचे पंच कर देगी LCD को। तो भाई चलिए हम देखते हैं इसको ऊपर से उठा के। लो भाई इसके अंदर बबल वाली बात कहें ना की बराबर, इसके अंदर आपको बबल दिख रहे होंगे ना की बराबर। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, अलग से कुछ भी नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि आपकी टेबल पे रखे रखे सारे काम हो जाएंगे। इसको इस बबल रिमूवर में रख देना है, यहाँ से इसको लेंगे इस तरीके से पीछे करके इसको आगे कर देंगे, बस वहाँ मैंने रख दिया है। मेन्यू के अंदर जाएंगे, मेन्यू में जाने के बाद बबल रिमूवर का ये आ गया, स्टार्ट बटन दबाएंगे, 600 सेकंड का टाइम है, कम ज़्यादा अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने स्टार्ट बटन दबाया, ये मीटर चलना हमारा स्टार्ट हो गया। चलिए मिलते हैं कुछ सेकंड बाद। तो भाई ये 600 पे सेट हुआ है, इसको हम 300 के आसपास आ जाएगा ना बिना वीडियो कट करे हुए तब निकालेंगे। 1 minute later. तो भाई टाइमिंग की बात करें ना, यहाँ पे 100% टाइम हो चुका है, 300 सेकंड से ज्यादा हो गए, कुछ नहीं करना है, स्टॉप कर देना है। अगर आपने 300 सेकंड कर रखा है तो अपने आप स्टॉप हो जाएगा। रिजल्ट आपके सामने, वीडियो बिल्कुल नहीं कटेगी, जो भी रिजल्ट रहेगा आपके सामने रहेगा। और सबसे पहले तो भाई LCD की बात है, LCD आप ध्यान से देख लो किस टाइप की आपको दिख रही है। अगर आपने LCD देख ली तो अब ये किस टाइप की रहने वाली है, चलिए मैं आपको लाइव इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ कि कई भाइयों को ऐसा ना लगे कि यार कोई LCD बदल दी होगी या कुछ कर दिया होगा। ये आपके सामने, ये देखो भाई, ऑन किया मैंने इधर से हैंडसेट, ये रहा LCD एकदम ऐसी बनी है जैसे कंपनी देती है, सेम उसी टाइप से ये LCD हो गई है। मशीन की बात करें तो ये भाई चेन्नई से आपके पास आने वाली है। तो प्राइस की बात करें तो 50,000 के अराउंड ये आपको मिलने वाली है। फीचर की बात करें तो इसके साथ अलग से आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैक्यूम पंप की बात करें नहीं चाहिए, एयर कंप्रेसर की बात करें नहीं चाहिए, सिर्फ मशीन चाहिए आपको। और मशीन के अलावा बबल रिमूवर भी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके साथ यहाँ पर ये बबल रिमूवर इन्होंने दिया है। और इसकी एक बारी फीचर की बात मैं बता दूं आपको, यहाँ पे एज बनाना चाहते बनेगा, वॉच बनाना चाहते बनेगा, फ्लैट बनाना चाहते बनेगा, फेबलेट बनाना चाहते, मतलब जो 7 इंची तक की चीज़ें होती हैं वो यहाँ पे इजीली बन जाएंगी और 1 क्लिक में बन जाएंगी। मतलब इसके अंदर अगर बात करें ना पंचिंग की, तो ये एयर बबल से पंचिंग करती है, इसके अंदर टूटने के चांसेस बिल्कुल 0 हो जाते हैं। तो ये भाई देखो, ये रहा हमारा जो LCD हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको अगर यहाँ से, इसको देखो भाई आपके सामने अच्छे से
चला के दिखा रहा हूँ मैं इसको, बहुत बढ़िया ये तरीके से ये चल रहा है ये देखो। तो भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो, मिलेंगे इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।